जीटीवी अस्पताल से गुरुवार को पुलिस हिरासत से फरार हुए कुलदीप उर्फ फज्जा मुठभेड़ में मारा गया। शनिवार देर रात रोहिणी के सेक्टर 14 स्थित तुलसी अपार्टमेंट में स्पेशल सेल और कुलदीप मान के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान कुलदीप मान को गोली लग गई थी, जिसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस एनकाउंटर के संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर स्पेशल सेल ने यह पूरी कार्रवाई की है। डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि रोहिणी के उस फ्लैट से कुलदीप मान के दो सहयोगी की भी गिरफ्तारी हुई है, जिनकी पहचान योगेंद्र दहिया और भूपेंद्र के रूप में हुई है। इनके पास से पिस्टल भी बरामद हुई है। इस पूरे प्रकरण से बहुत से लोग जुड़े हैं, जिनकी जांच चल रही है। इस एनकाउंटर में अपराधियों की तरफ से करीब 8 राउंड फायरिंग हुई है, तो वहीं स्पेशल सेल की तरफ से करीब 10 राउंड। डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने कहा कि मृत आरोपी कुलदीप के ऊपर पहले से ही 4 मर्डर, 3 रॉबरी और कई मुकदमे दर्ज है। यंगस्टर कुलदीप मान को बचा, जिसको उसके कुछ एसोसिएट बता के ले गए, जिस पर दिल्ली पुलिस की कई सारी टीम्स काम कर रही थी, स्पेशल सेल की भी थी, क्राइम की थी, लोकल पुलिस की थी, काफ़ी सारी टीमें लगी हुई थी। इसी सिलसिले में स्पेशल सेल की एक टीम, जिसको लीड ACP हृदय भूषण और ललित नेगी कर रहे थे, उसके साथ इंस्पेक्टर सुनील और इंस्पेक्टर जोशी और इंस्पेक्टर नेपाल, इस टीम को कल एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी किसी क्रिमिनल के बारे में। कुलदीप फज्जा ये सेक्टर 14 रोहिणी में एक पर्टिकुलर घर में, एक सोसाइटी है वहाँ पर, उस सोसाइटी के पर्टिकुलर घर में इस इंफॉर्मेशन की टीम कल रात में लेट नाइट और एक दो के आसपास जब वहाँ पर पहुँची, तो इस टीम पर, इस टीम ने जब दरवाजा खटखटाया जिस फ्लैट में वो था, कुलदीप फज्जा ने टीम पर फायरिंग की। डिफेंस में उन्हें बचाव के लिए फायरिंग की उस टीम ने की, उसमें कुलदीप फज्जा इंजर्ड हो गया और उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल रश किया गया, बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल, जहां पर उसको उसकी डेथ हो गई। अभी ये जो केस हुआ था पीछे, ये काफ़ी एक सेंसेशन से जल्दी क्रैक किया जाए और बाकी हुए लोगों को बताया जाए। इसमें ये इस तरह से केस क्रैक हुआ कि आपकी कहूँगा डेथ हो गया एनकाउंटर हो चुके और एटलीस्ट जो इसके बाकी लोग हैं उस पर भी कार्रवाई चल रही है, और इस केस में जो बाकी लोग हैं जिन्होंने भगाने में मदद की थी और पूरे ऑपरेशन में उसको भगाने में उसके साथियों को आइडेंटिफाई करके और उस पर भी सभी टीमें काम कर रही है, उस पर भी जल्दी काम कर रही है। सर, दो लोग जो अरेस्ट हुए हैं वो कौन है और ये बैग किसके नाम पे था? ये जो दो लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें एक योगेंद्र दहिया है, योगेंद्र दहिया मोंटी, ये वो इसका एक फ्लैट है, और एक एसोसिएट और है भूपेंद्र भुगतन। क्या नाम सर? भूपेंद्र भुगतन। ये क्या है सर, भूपेंद्र का क्या रोल है? भूपेंद्र भुगतन जो है ये एक एसोसिएट है इसी गैंग का, इस ये भी था उस दिन भगाने में, नहीं उस दिन भगाने में तो उसका रूम अभी तक सामने नहीं आया, उसका चल रही है, लेकिन डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट एसोसिएट है और हार्बरिंग में इसका रोल सामने आ रहा है। सर, योगेंद्र दहिया का क्या रोल था सर? हार्बरिंग का था और प्लस उसके पास से वेपन भी मिले। अच्छा सर, वो घर उसी का था और वो ऑलरेडी इसको जानता था? हाँ, इट वाज नॉट फॉर सम मनी और समथिंग, इन सारी चीज़ों पर भी चूंकि मैंने कहा कि कभी कार्रवाई चल रही है उसमें ये भी सर, टोटल कितने राउंड फायर हुए होंगे दोनों तरफ से, और जब बच्चा जीटिंग से भागा था तो किस रूप से कहां गया, ये जो भागा है उसके बारे में अभी हम आपसे नहीं शेयर कर पाएंगे क्योंकि उस पर भी कार्रवाई चल रही है, और मैंने जैसा आपसे कहा कि इसमें और भी लोग हैं जो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं और सभी के साथ शेयर करके उस पर काम चल रहा है। सर, एक सर बताइए, एक गैंग को अक्सर भगाने की साजिश रची जा रही थी किसी गैंगस्टर या डॉन का नाम सामने आ रहा है। देखिए, ये एक संदीप को काला जठेड़ी और उस गैंग का नाम सामने आ रहा है कि उस गैंग ने जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, संदीप और काला जठेड़ी ने उसमें,
यहाँ तक तो आया, तो बाकी डिटेल्स जो सर क्या मकसद था इसको भगाने का, क्या कोई ये लोग कुछ प्लान कर रहे थे कुछ करने का, ये तो बता दीजिए। गैंग एक तरह से जो नीरज सॉरी जितेंद्र भूमि का गैंग है काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो गया है, अंदर है बंद है, तो नेचुरली इनका अटैम्प्ट था कि किसी तरह से एक आध मेंबर इंपॉर्टेंट मेंबर बाहर निकले तो अपनी अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा सके। रिवाइज किया जाए सर, कितने राउंड्स चले थे, उसको कहाँ गोली लगी थी फर्स्ट? ये सब चीज़ें पोस्टमार्टम के लिए उसमें है कि कहाँ गोली लगी थी, कितने राउंड चले थे, लेकिन उसकी तरफ से करीबन हम 8 राउंड चले थे पता चला है, और अपनी तरफ से और हमारी तरफ से 10 से ऊपर कुछ। और सर पुलिस को कहीं पे कुछ सर कुलदीप तो ये जीटीपी में भी घायल हो गया था जी, कुलदीप जो बाहर से बाहर आए थे वहाँ पे भी गोली लगी थी कुलदीप को? नहीं ठीक है सर। लोकल लोग कह रहे हैं कि दो बाहरी लोगों को लेकर के वहाँ पे गए थे, अंदर में सिर्फ एक ही आदमी था, इज दिस ट्रू जी? और लोकल लोग जो है वहाँ पे कुछ जो लोग आई विटनेसेस बन रहे हैं वो बोल रहे हैं कि सर कि बाहर से दो लोगों को लेकर के गया था और पुलिस ने फायरिंग स्टार्ट किया, इज एनी ट्रू टू दिस? बिकॉज दी क्वेश्चन है कि कैन बी हियर से इस पर भी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन गाड़ी की कुछ मिनट बाद निकल ठीक है हियर से बात है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।